हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत। और आज का टॉपिक रियल स्टेट बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस है, द रियल स्टेट बिजनेस एज आई सी इट। इसका जिक्र मैंने अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली जो 2012 में तैयार हो गई थी और 2013 में आठ जनवरी को पब्लिश हुई थी उसमें किया था। लेकिन अभी थोड़ा पीछे, मतलब जैसे पढ़ने का शौक है और पढ़ते पढ़ते हमारे पास ये एक फिगर आई, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। हालांकि मेरे को, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता कि ये फिगर ठीक है या नहीं ठीक है। IBEF की फिगर है ये, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। उसके मुताबिक 2017 में $120 बिलियन का बिजनेस था रियल एस्टेट। फिर 2020 में 3 साल बाद ये $180 बिलियन का हो गया और 2025 में $650 बिलियन का होने वाला। उसके बाद फिर 2030 में $1 ट्रिलियन, मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होने वाला है। मेरे हिसाब से इससे भी कई गुना ज़्यादा है। यदि हम इसको बिल्कुल मार्केट में इसका प्रॉपर सर्वे करें, ये पता नहीं किस तरीके से सर्वे किया इसने, मतलब इससे कहीं ज़्यादा। मैंने पहले भी कहा था कि जितना भी आप चाहो इस कारोबार में आप पैसा लगा सकते हो, जितना भी चाहो उतना पैसा इसमें से कमा सकते हो। लेकिन आज की जो फिगर है ये IBEF की है, IBEF की है। आपने नेट पे इसको सर्च कर सकते हो। यदि कोई इसमें, कोई मेरे कहने में और IBEF की रिपोर्ट में कोई फ़र्क हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं यही वीडियो फिर दोबारा आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, रियल स्टेट कारोबार का कोई सानी नहीं है। ये हमारे पैदा होने से पहले का हो रहा है, हमारे होते भी हुआ, हमारे बाद भी होगा। ये तब तक चलेगा जब तक दुनिया रहेगी। क्यों, कारण क्या है? कारण इस ये है कि रियल एस्टेट बिजनेस जो है, 3 बेसिक चीज़ें जो बंदे की हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, जिसको हम कुल्ली गुल्ली जुल्ली बोलते हैं। कुल्ली और गुल्ली दो चीज़ें रियल एस्टेट से हमें मिलती हैं। मतलब कुल्ली का मतलब घर और जो गुल्ली का मतलब जहां हमारा काम करने का प्लेटफॉर्म है, जो भी ये दुकान हो सकती है, इंडस्ट्री प्लॉट हो सकता है, कुछ और भी जहां भी हम अपना रोजगार करते हैं। ये मतलब 2/3 हमारे जरूरी चीज़ का 2/3 हमें मतलब प्रदान करता है। सो रियल एस्टेट बिजनेस ना कभी ख़त्म हुआ है और ना होने वाला है। सो आपने जितना भी आप इस रियल एस्टेट में जुड़ जाओगे उतना ही आप बढ़िया तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहले आप, जब मैंने रियल एस्टेट शुरू किया था 1992 में, कोई सीखने वाली बात नहीं थी, कोई किताबें नहीं मिलती थी, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं मिलती थी, कोई भी गूगल के ऊपर सर्च करके नहीं, कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है। आपके पास यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, मेरी वीडियोज़ हैं, और भी वीडियोज़ होंगी, किताबें हैं, मेरी किताबें हैं, इंडियन सिनेरियो के ऊपर मेरी 3 किताबें हैं। तो ये आप इसमें से जहां मर्जी, जितनी मर्जी आप नॉलेज लेके जहां तक मर्जी आप ये इस काम को कर सकते हो। ट्रेनिंगें भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, खुद भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहो तो हमारी ट्रेनिंग ले सकते हो, आप चाहो किसी और से भी ट्रेनिंग लेनी उस वहाँ भी ले सकते हो। लेकिन ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो। ये इस तरीके की बातें सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।